हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आपको सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बताया था, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में आप लोगों को बता चुके थे, डिटेल से समझाया था कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं। फिर आपको पूरा डिटेल से समझाकर उसकी थ्योरी भी आप लोगों को डिटेल से बताई थी। आज की इस वीडियो में सेल ऑर्गेनेलीज के जो स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में सेल ऑर्गेनेलीज बताया था कि स्मॉल दे आर लाइक स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। स्मॉल ऑर्गन्स के बारे में आप लोगों को बताया था, ठीक है। छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। अब उन सेल ऑर्गेनेलीज के नाम लिखिए, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। फर्स्ट लिखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड लिखिए राइबोसोम्स। फिर भी वीडियो को और नाइन्थ क्लास के लिए है ये वीडियो, और आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहता है, समझने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप राहुल सर से किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला लिखें गोल्जी एपरेटस। फोर्थ लिखिए लाइसोसोम, LYSOSOMES, लाइसोसोम्स। फिफ्थ लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, MITOCHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। अगला लिखिए प्लास्टिड्स, PLASTIDS, प्लास्टिड्स हो गया। सेवन पे आ जाइए, सेवन लिखिएगा क्लोरोप्लास्ट, CH क्लोरोप्लास्ट। एट पे आ जाइए, ये छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज है, वैक्यूल्स, VACULES, वैक्यूल्स। नाइन पे आ जाइए पेरोक्सीसोम्स, PEPEROXISOMES। और टेन पे आ जाइए न्यूक्लियस, ठीक है। तो देखिए क्या क्या होते हैं स्मॉल जो ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स है, थर्ड लिखिएगा गोल्जी एपरेटस, फोर्थ लिखिएगा लाइसोसोम, फिफ्थ लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, सिक्स लिखिएगा प्लास्टिड, सेवन लिखिएगा क्लोरोप्लास्ट, एट्थ पर लिखिए वैक्यूल्स, नाइन पर लिखिए पेरोक्सीसोम्स, और टेन लिखिए न्यूक्लियस। ये तो हो गए आपके जो सेल ऑर्गेनेलीज है उनके बारे में डिटेल, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग डालिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि हो तो क्या ये, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शंस के बारे में भी बताया जाएगा। तो फर्स्ट लिखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। पहली बात तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर को शॉर्ट में ER बोला जाता है, और ये एक ऑर्गेनेलीज होता है जो कि यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, ठीक है, जो कि इंटरकनेक्टेड करता है मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होती है उनके नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करता है, जैसे ट्यूबुल्स है, वेसिकल्स है, ठीक है। लिखिएगा द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ब्रैकेट में लिखिएगा ER, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक ऑर्गेनलीज होता है, इज एन ऑर्गेनलीज फाउंड, जो कि किसमें पाया जाता है, फाउंड इन द यूकेरियोटिक सेल्स, यूकेरियोटिक सेल्स में ये पाया जाता है, ठीक है, फाउंड इन द यूकेरियोटिक सेल्स, ठीक है। फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा इट इज, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा इट इज एसेंशियली, ESSENTIALLY, जो कि क्या करता है, इंटरकनेक्टेड करता है, किसको इंटरकनेक्टेड करता है, मेम्ब्रेनस को, ठीक है, मेम्ब्रेन में OUS लगा दीजिए, जो कि इंटरकनेक्ट करता है मेम्ब्रेन को, नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स के नेटवर्क को करता है। आगे कॉमा लगा करके लिखिएगा वेसिकल्स एंड, तो ट्यूबुल्स, वेसिकल्स और जो सिस्टर्नी होती है,
CISTERNAE. तो ट्यूबुल्स, वेसिकल और सिस्टर्नी के नेटवर्क को क्या करता है, ये अटैच करता है एंड एनक्लोज ए, एंड आगे लिखिएगा एनक्लोज ए, और एनक्लोज करता है क्या, एनक्लोज करता है एक फ्लूड इसके अंदर भरा हुआ रहता है, क्या भरा हुआ रहता है, फ्लूड, आगे लिखिएगा एंड एनक्लोज ए, आगे लिखिएगा फ्लूड, FLUID, फ्लूड फिल्ड, फ्लूड भरा हुआ रहता है, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, ल्यूमेन, LUMEN, जिसे ल्यूमेन बोला जाता है, ठीक है, ल्यूमेन तो इसे बोला जाता है। फिर आगे देखिए, जो फुल स्टॉप लगा करके जो ER मेम्ब्रेन होती है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन होती है, राहुल सर ये बताना चाह रहे हैं, ट्यूबल्स, वेसिकल और सिस्टर्नी को तो इसने एनक्लोज कर दिया, एंड एनक्लोज ए फ्लूड, FLUID, फ्लूड फिल्ड ल्यूमेन, जो ER मेम्ब्रेन होती है इज एन एक्सटेंशन EXTENSION, एक्सटेंशन क्या होती है, ऑफ द आउटर, एक्सटेंशन ऑफ द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि क्या काम करती है, तो द ER मेम्ब्रेन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और एनवेलप बोल सकते हैं, और एनवेलप BELOPE, एनवेलप होती है जो कि क्या काम करती है, एंड क्या काम करती है, जो कि कनेक्टेड करती है, एंड इज कनेक्टेड किसको कनेक्ट करती है, टू द प्लाज्मिक मेम्ब्रेन, या बोल सकते हैं टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आगे लिखिएगा टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कनेक्ट करती है, ठीक है, और भी इसके कई पार्ट होते हैं, तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इसके पार्ट्स के बारे में, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कंटिन्यू करते हैं।